अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ पप्पू लश्कारा जी। पप्पू लश्कारा जो है ना जी, वो थोड़ा ऑनलाइन टैप का आदमी है, और अगर आप भी ऑनलाइन टैप है ना, तो फौरन सब्सक्राइब कर लें आप टॉक शो सेंट्रल को। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि पप्पू ज़रा ऑनलाइन टैप आदमी है। पप्पू ना वो पाकिस्तान सुपर लीग नहीं होती, उसका ट्रायल देने चला गया। वो तो पागल ही हो गए, इतने मुतासर हुए। नहीं नहीं, मेरे टैलेंट से नहीं, मेरी टिटाई से। कहने लगे, यार बड़ा ही टीठ है तू, फिर आ गया। और देखे ना जी, टैलेंट की तो पाकिस्तान में कोई कदर ही नहीं है, अब लाली के बाप को ही ले लें। और देखे ना जी, इतना सुपर हिट, इतना कमाऊ पूत किस्म का रिश्ता है पप्पू लश्कारे का, रिश्ता ही नहीं कर रहा। लाली पता नहीं क्यों आज मेरे से बात ही नहीं कर रही। पप्पू लश्कारा दिलों का वारा, सब दा यारा, हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा रा रा। ऑनलाइन करे सारे वेट, जिसे जावे बन जावे स्टेज, अद डिफरेंट स्टाइल अद डिफरेंट टेस्ट, पब्लिक डिमांड चे अद फेस। मुड़ा लश पश वेखो ए दे टशन वेखो, किवें टुरदा नहीं मुड़दा, औखा होवे ते सदा जुड़दा, चाहे विच मिठा पत्ती तेज रखदा, गर्लफ्रेंड अपनी अंग्रेज रखदा, एनु सामना किसे दे नहीं यो बसदा। पप्पू लश्कारा दिलों का बारा, सब दा यारा, हर वेले करदा ए रेंदा तारा रा रा रा। पप्पू यार तंग ना कर, मैंने पीएसएल देखने जाना है दुबई, और ये मेरा आखिरी फैसला है। हाय लली, ये तेरे आखिरी फैसले? और तेरा पप्पू लश्कारा बड़ा ऑनलाइन टाइप का आदमी है, वो तुझे जरूर लेके जाएगा दुबई पीएसएल दिखाने। लाली सत के जाए पप्पू तेरे लश्कारों पे, अगर तू मुझे पीएसएल दिखाने ले गया ना, तो मैंने ग्राउंड के बीच में जाके ना तेरे नाम की धमाल डाल देनी है, और सब लोगों ने हैरान रह जाना। बस कर दे लाली, बस कर दे, पहले पीएसएल की टिकट इतनी महंगी है, तूने धमाल डाल के और महंगी करा देनी है। धमाल के बजाय कमेटी डाल लेना, तो शायद हम चले भी जाएंगे। ओए होए 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 ओए, ओ छोटे, ओ इधर आ, ओए ओ इधर आ, बात सुन। ओ ये देखो मेरी चाय में से मक्खी निकल आई है। ओ मामा दी अभी नितली तो आए, अभी तो अंदर ही है। मामे के कुछ लगते, ओए अंदर स्विमिंग पूल है कि अंदर ही है? ओ देख, मेरा नाम है मामा क्रिकेट, और मैं दुआ करता हूँ तो पाकिस्तानी टीम जीतती है। ओए तूने मामा क्रिकेट को इजी नहीं लेना, इधर आ। ओ ये बता, मैं इस चाय का क्या करूँ? मामा दी पी लो, ये तो हमारे शताब्दी दायके हैं, वो अंदलेदी में रहते ना, तलतरल टेस्ट। तलतरल टेस्ट? मुझे तो लग रहा है ये जहरीली है चाय, और मक्की उसमें गिरते ही मर गई है। मामा दी बात आप बतंदर ना बनाओ, होता था वो तो तैरना ना आता हो। वो मैं इसमें अदरक मलाई डाल देता हूँ, टाइनी टेस्ट बना देते हैं, ला दो। वैसे जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है ना, तो पुराने खिलाड़ियों की तो चांदी हो गई है, पर जो नए खिलाड़ी हैं ना, उनकी भी पांचों घी में, सर कढ़ाई में, और पैर अबू धाबी में है। अब देखे ना जी, अब जितना मैं बेताशा चा बेच के 3-4 सीजनों में कमाता हूँ, उतना ये पीएसएल वाले एक सीजन में खेल के कमा लेते हैं। बट जैलस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पप्पू जरा ना ऑनलाइन टैप का आदमी है, और समझा करे ना। वैसे तो पप्पू ने ना कभी स्कूल में बुक खोल के देखा ही नहीं है, लेकिन डोंट वरी, पप्पू जो है ना वो बुक जरूर खोलेगा पीएसएल में। समझ ही गए होंगे आप, बताना नहीं किसी को। हमारे लिए ना बड़े फख्र की बात है, हमारा मल्ला है ना बड़ा जबरदस्त किस्म का मल्ला है। इस मल्ले का एक बॉय है, उसका नाम है विकी, और वो पीएसएल के लिए सिलेक्ट हो गया। आज हमारे ढाबे पे चाय पीने आया होता है जी, इधर ही पड़ा होता था, आज आया हुआ है, मिलवाते हैं आपको उससे। मामा जी आज ना मेरी दुबई की फ्लाइट है, मैंने ड्राइवर को कह दिया था कि मुझे ना पप्पू लश्कारा के ढाबे से पिक कर ले, और किधर वो अपनी गाड़ी तंग गलियों में घुसाता फिरेगा। ओ विकी बाऊ, ओ मैंने तो हर टूर पे पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पे इतना चंदा इकट्ठा कर लिया है कि अपने गांव में क्रिकेट बॉल बनाने का कारखाना लगा लिया है। ये बताओ कि तुम लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हो या पिशावर जलमी की तरफ से? हूँ तो मैं वैसे पक्का लाहौरी और आज का नौजवान भी, लेकिन मैं अपनी वफादारी सिर्फ उसी को दिखाऊंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे देगा। विकी साहब, लाहौर कलंदर ने वैसे भी कौन था दीदन है? अगर तेरा पप्पू तुझे पीएसएल दिखाने लेके चला जाए तो पप्पू को क्या मिलेगा? लाली सदके जाए पप्पू तेरे लश्कारों पे। रहन दे लाली, तू ना ही जा सदके, हर सीन में तू यही डायलॉग बोलती है। तुझी तरह बता, पप्पू को मिलेगा क्या? मैं ना अपने बाप की दुकान तेरे नाम लगा दूंगी। वो टायर पंक्चर वाली?
नहीं पप्पू वो तो कढ़ाई की थी। वो दाल टिक्की वाली? नहीं पप्पू वो तो कप की बिक गई। मैं तो वो रद्दी कागज वाली दुकान की बात कर रही थी। वो तो फुटपाथ पे है लाली। पप्पू अब ना शुक्राना बन, पूरे 20 साल से मेरे बाप ने उस दुकान पे कब्जा कर रखा है। पूरे 1600 रुपए किराया आता है। 1600 रुपए पूरे महीने के? सारे रमेश की बैंडी बजा। क्या 1,20,00,000? जी जी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। यस मैं पिशावर जलमी की तरफ से खेलूंगा। पिशावर जलमी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मामा क्रिकेट जिंदाबाद। पिशावर जलमी मेरी फेवरेट टीम है। हेलो जी जी विकी बात कर रहा हूं। क्या 1,50,000,000 रुपया? जी जी मंजूर है, मुझे मुझे मंजूर है। अब मैं लाहौर कलंदर की तरफ से खेलूंगा। लो जी लाहौर कलंदर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मामा क्रिकेट जिंदाबाद। हाय हाय हाय, ये सब देख के ना पप्पू लश्कारा तो ऑफलाइन हो गया है। मुझे तो लाली के बाप की फिक्र खाई जा रही है। अगर वैसे मैं पीएसएल के ट्रायल में सेलेक्ट हो जाता ना तो लाली के बाप ने लाली का क्या, उसकी दूसरी बहन का रिश्ता भी दे देना था। बेचारी पागल हो गई थी ना, पागल खाने में जमा कराए थे उसको। बस क्या करें जी, कुदरत की मंजूरी है, जैसे भी हो जाए। वैसे पीएसएल में ना बड़े टैट मैच होते हैं। पीएसएल का बड़ा सीन है, ये जो आईपीएल यूपीएल और ये पीपीएल और चीपीएल होते हैं ना, इनका पीएसएल के सामने कोई सीन नहीं है। ओ ट्रस्ट मी, वो पीएसएल का बड़ा सीन है। पाकिस्तान लीग है, वो पाकिस्तान लीग का मजाक नहीं है। और ये जो आईपीएल वाले हैं ना, ये पप्पू को अगर 5,00,000 रुपया भी ऑफर करेंगे ना तो फिर शायद पप्पू कर ही ले। 5,00,000,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको भी ऑफर हो गए तो आपने भी कर लेने, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और मैंने ना एक और वजह से भी करने हैं। मेरे पास 5,00,000,000 रुपये आ गए ना, उसमें से थोड़े से पैसे मैंने हस्पताल वालों को देने हैं ताकि वो लाली के बाप को ना पागल खाने में जमा कर लें। मेरे लिए ज़रा ईजी हो जाएगा। है 2,00,000,000 रुपये उल्टा ग्लैडिएटर? जी जी मुझे मंजूर है, मंजूर है। अब ना मैं क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलूंगा। ओ क्वेटा ग्लैडिएटर जिंदाबाद, ओ पाकिस्तान जिंदाबाद, ओ मामा क्रिकेट। ओ बंदे की भी जुबान भी होती है। मुझे तो लगता है इसकी जुबान तो क्या, इसका तो मगज भी नहीं है। लाली सत के जाए पप्पू तेरे लिश्कारों पे, इतने दिन हो गए मुझे सिरी पाए नहीं, तूने खिलाए। ओ लाली खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा। एक दफा ये पीएसएल की किताब खोल लूं ना तो सिरी पाए तो क्या, तुझे छोटे गोश्त की कढ़ाई खिलाऊंगा, वो भी देसी वाली। लो दसो बुढ़े बाबे ते देसी खाबे। मुझे कह रहा है। वैसे एक बात पप्पू की समझ में नहीं आती, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा इंटरनेशनल चीजें आती हैं तो क्रिकेट क्यों नहीं आ सकता? और नहीं नहीं बड़ी इंटरनेशनल चीजें आती हैं, लंडे के कपड़े आते हैं, अंग्रेज आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, गड्डियां आती हैं, जहाज आते हैं, और हमसाया मुल्क से आलू आते हैं, प्याज आते हैं, टमाटर आते हैं, जसूस आते हैं, दो चार दहशतगर्द भी आ जाते हैं, तो क्रिकेट क्यों नहीं आ सकती? ये पप्पू की ना खोपड़ी में ना बात ऐसे करके फिट नहीं हो रही। वैसे आपस की बात है, लाली से वादा तो कर लिया है कि पीएसएल में लेके जाऊंगा, पर जेब में टका नहीं है, पता नहीं कैसे लेके जाऊंगा और क्या कहूंगा। अब लाली को समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ना एक आइडिया आया। अरे किट्टू की अम्मा, ऐसे ही जोक कर रहा हूँ ना उसके साथ, लाली के साथ। हमने असल में ना अपने बच्चे का निकनेम भी रख लिया है किट्टू। क्यूट है ना किट्टू, क्यूट। बंदा बोंदा हो तो चल जाता है, मगर कंजूस बंदे से गुजारा बिल्कुल भी नहीं। रोज पति की पिकअप भर के आती है ढाबे पे, इतना पैसा। ओ बस कर दे, बस कर दे, आहिस्ता बोल, टैक्स वालों को मेरे पीछे पड़ाएगी। देख लाली तेरा पप्पू जो है ना वो बड़ा ऑनलाइन टाइप आदमी है। पप्पू ने आइडिया निकाल लिया बड़ा जैंगो किस्म का। हम पीएसएल का मैच देखने जरूर जाएंगे, लेकिन फाइनल मैच पाकिस्तान में है। चल मैं नहीं बोलती अपने पप्पू से, चलाक ना हो तो, मैंने दुबई जाना है। मेरी लाली ने फिर नहीं, मेरी जान ने फिर नहीं, मान जाना बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, नहीं। ढाई तो और ना हो गया, मदात ही हो गया, मुझे तो ढाई दार दें, दां मर्दी दो मर्दी तला दें। तो प्लीज यार मुझे बताओ मैं किसकी तरफ से खेलूं, मेरा मसला तो हल कराओ। अब बस कर दे बिजू, बस कर दे। ओहो पप्पू लश्कारा साहब कोई हल भी तो बताओ ना, और सोनी कुड़ी के साथ खड़े होके तो मल्ले का जमादार भी अपने आप को फुआद खान समझता है। तो मशवरा दो। हाय अल्लाह, इस कुजी को कैसे पता है कि मुझे फवाद खान पसंद है।
तो आदि मुझे लगता है ये फिल्म स्टूडियो के बाहर मूंगफलियां बेचता था। एक मिनट, मेरा ये ख्याल है कि अब सब अपनी बकवास बंद कर ले, क्योंकि इस वक्त पप्पू अपने दिमाग पे अपनी छठी इस पे जोर देने लगा है, और अब पप्पू आपको अपनी छठी इसके जरिए बताएगा कि घोड़ा कौन है और खोता कौन है। पप्पू साहब, आपकी छठी इससे तेज है। हौसला करो विक्की साहब, अब पप्पू अपनी छठी इस पे जोर देने लगा, कॉन्सेंट्रेट करने लगा। लाली सदके जाए पप्पू तेरे लिशकारों पे। कॉन्सेंट्रेट तो करने देना, सदके बाद में जाएंगे। लो जी, मेरी छठी इस तो मुझे ये बताती है कि विकी किसी की भी तरफ से खेले, कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीत जो होनी है वो होनी है क्रिकेट की और पाकिस्तान की। लो भाई, मसला ही हल हो गया। मैं पाकिस्तानी हूँ, चान लगाकर खेलूंगा, लेकिन दिल से तो लाहौरी हूँ ना, तो बस अब मैं लाहौर कलंदर की तरफ से खेलूंगा। लो फिर, लाहौर कलंदर जिंदाबाद, ओ पाकिस्तान जिंदाबाद, ओ मामा क्रिकेट जिंदाबाद। देखा फिर, पप्पू तेरा ऑनलाइन टाइप का आदमी है, और आपको एक बात बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए कि पाकिस्तानी को खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दिल जो पाकिस्तानी है, ऐवें कह रहा हूं, कहने में क्या हर्ज है, कोई बिक भी जाते हैं उनकी मर्जी है, पर जो सही पाकिस्तानी होता है ना, उसको खरीदना बहुत मुश्किल होता है। और अब देखे ना जी, ये विकी जो है अब वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलेगा, तो ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर का इस दफा भी अल्लाह ही हाफज है। अल्लाह जावे बन जावे स्टेज एट द डिफरेंट स्टाइल एट द डिफरेंट टेस्ट पब्लिक डिमांड शे एट द फेस मुड़ला शे पश्य वेखो ए दे टशन वेखो कि मैं टुरदा नहीं मुड़दा औखा हो वे ते सदा जुड़दा चाहे विच मिठा पत्ती तेज रखदा।